नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। एनसीएम स्कूल कामदाना के अंदर आज वार्षिक खेल उत्सव शुरू हुआ है। यहां पर स्कूली सत्र का ये खेल उत्सव है जिसके अंदर अलग अलग क्लास के अलग अलग जो बच्चे हैं उनके तरफ से कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर किया जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कबड्डी की प्रतियोगिता यहां पर चल रही है। इसके अलावा चाहे दौड़ की बात है, चाहे लंबी कूद हो, चाहे ऊंची कूद हो, और चाहे इसके अलावा कोई और एथलीट के गेम हो, वो पूरे के पूरे गेम है। यहां पर 4 से 5 दिन तक ये लगातार ये प्रतियोगिता हर साल चलती है और अब इस तरह की आज यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे हम बात करते हैं, जो कोच है उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ किस तरह का इनका ये खेल कूद जो उत्सव रहता है, किस तरह का ये प्रोग्राम इनका रहता है। ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट है सर एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। इसमें 4 जोन बनाए हुए हैं और चारों जोन की अलग अलग बॉयज़ की टीम अलग हैं और गर्ल्स की टीम अलग हैं। अभी बॉयज़ का मैच हमने देखा है, अच्छा रोमांचक मैच रहा, और अब गर्ल्स का मैच अभी आगे होने जा रहा है। इसमें हमने अब की बार जैसे कोरोना काल की वजह से प्राइमरी के स्टूडेंट्स को ना ही तो खिलाया है, ना ही वो विद्यार्थी आए हैं स्कूल के अंदर, और देखते हैं गेम्स आगे किस प्रकार से। आप सभी देखते रहें। अच्छा, पिछले 10 सालों से यहाँ शिक्षा देने का काम आप कर रहे हो, क्या उपलब्धियाँ रही हैं, विशेष क्या रहा है 10 सालों के दौरान आपके एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का? जिस प्रकार से अगर कहें चोपटा ब्लॉक के अंदर, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सालों से ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, डिसिप्लिन के मामले में हो या फिर पढ़ाई के मामले में हो या फिर समाज सेवा के लिहाज से हो, तो हर क्षेत्र में एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मेरे ख्याल से डंका बज रहा है। और हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं। पिछले मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर 8-10 MBBS डॉक्टर एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गए हैं अपने क्षेत्र के, जो बिल्कुल यूँ कहें कि छोटी सी परचून की दुकान करने वाले का बच्चा, मोबाइल रिचार्ज करने वाले का बच्चा भी यहाँ से MBBS डॉक्टर बना है। और मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको जो है नहीं बता पाऊँगा शायद। और एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर इस स्कूल से गए हैं और डॉक्टर BAMS वो भी इस संस्था ने समाज को दिए हैं। आर्मी के अंदर भी पिछले 2-3 साल के अंदर मेरे ख्याल से 15-20 बालक यहाँ से आर्मी के अंदर चले गए हैं, और टीचर काफ़ी निकले हैं लगभग हर क्षेत्र के अंदर। मैं कहूँ प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो खास तौर से एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आपके लगभग जो है एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थी टीचर हैं लगभग स्कूलों के अंदर, तो अचीवमेंट्स तो काफ़ी हैं। बाकी हम ज़्यादा प्रचार के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम मेहनत पर फोकस करते हैं और जिसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं होती, देसी घी को मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ के हैं जो कोच है उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ किस तरह का इनका ये खेल कूद जो उत्सव रहता है, किस तरह का ये प्रोग्राम इनका रहता है। जो पहला मैच हुआ है शहीद सुखदेव सिंह हाउस और शहीद भगत सिंह हाउस के बीच हुआ था। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी संतुलित टीमें थी और दोनों टीमों के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा हार का अंतर हम देखते हैं भी, जो 14 अंकों का अंतर रहा है थोड़ा सा रह गया, वो हमारे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर एक दो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ऐसा कुछ हो गया। और दोनों टीमें काफ़ी अच्छी संतुलित टीमें हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना मैच दिखाया सभी बच्चों को, तो काफ़ी अच्छा खेले हैं वो बच्चे। कौन कौन से गेम यहाँ पर होंगे ये पिछले अब आगे 4-5 दिन के अंदर? यहाँ जी कबड्डी, खो खो, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और वॉलीबॉल के गेम इन 4-5 दिनों में जितने भी दिन लगेंगे। हमारी कोशिश तो यही है, 4 दिन का हमें मैनेजमेंट ने टाइम दिया है, पर हो सकता है ये गेम 5 दिन चल जाए। ये हर साल होता है ये? हाँ जी, हर साल होता है। और पहले तो काफ़ी ये 7 डेज बोलते थे हम इनको, 7 दिनों तक चलते थे। अब की बार प्राइमरी के बच्चे नहीं है ना, अभी उनका स्कूल नहीं ओपन हुआ है, तो इसलिए ये मैच 5 दिन चल पाएंगे। तो एक तरफ जहाँ नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से स्कूल के अंदर जो गेम है उसका आयोजन करवाकर एक नशे की प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए, एक जागरूक करने के लिए खेलों के प्रति इस तरह के जो स्कूल की तरफ से जो प्रतियोगिताएं करवाई जाती है वो वाकई में बहुत बढ़िया है। और राजस्थान सीमा से सटा हुआ एरिया है और नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी हुई है, और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इस तरह के अगर प्रतियोगिता होती है तो वो वाकई में एक चर्चा का विषय भी बनती है। और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो वाकई में
में जो युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से हटाकर खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।